हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब यहां पर देखिए, ये सीरियल नंबर कुछ दिया गया है, देख सकते हैं ना, यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसमें तो स्टूडेंट्स के नेम आ गए हैं, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कीबोर्ड कर दिया, तो हर एक जो प्रोडक्ट होगा उसका अलग अलग बार कोड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया वायरलेस कीबोर्ड, और एंटर कर दिया। और इसी तरीके से वायरलेस माउस, वायरलेस माउस MOUSE, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करके देखिए ये इस तरीके से आ जाएंगे। और यहां पर क्या करना है, ये जो है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये है ना, ये इस तरीके से स्टार लगा करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अब देखिए यहां पर कोड 39 है, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं इसे। और यहां पर चूंकि हमें बार कोड लगाना है, ठीक है, तो यहां पर आपको बार कोड कैसे दिखेगा, यहां पर आप टाइप कीजिएगा। देखिए मैं टाइप कर रहा हूं फिर से, यहाँ पे CODE, जैसे कोड 128 है, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 128, और ये आपका बार कोड है। यहां पर क्लिक करिएगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सब बार कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये बार कोड आ गया है, और हर एक का बार कोड अलग होगा। जब आप इसे स्कैन करेंगे तो हर एक का बार कोड अलग ही आपको दिखाई पड़ेगा। और इस तरीके से आसानी के साथ आप बार कोड जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये बार कोड कैसे जनरेट करना है, ठीक है। लेकिन एक सवाल और भी बनता है कि आखिरकार ये स्टार ऐड हुआ कैसे, अगर मान लीजिए आपको करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं ये, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहां से इसको पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो ये स्टार ऐड हुआ पड़ा है। अब ये हुआ कैसे, पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, यानी ये जो एरिया है इसे हम डिलीट कर, हमने डिलीट कर दिया। अब टाइप करना है आपको, यहां पर टाइप करना इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू के निशान से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे डबल कॉमा में स्टार लिखिएगा ऐसे, ठीक है, ये स्टार लिख दिया। फिर यहाँ पे एंड लगाइएगा, ये वाला एंड लगाना है आपको, ये मिल जाता है आपको 7 नंबर बटन पर अल्फा न्यूमेरिक की कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर एंड लगाना है, ठीक है, एक बार एंड लगा लिया। फिर यहाँ पर चूंकि ये सेल एड्रेस आपको देना है, तो ये सेल एड्रेस है सी, आपका जो भी बनता है वो सेल एड्रेस यहाँ पर दे दीजिएगा। एंड लगाइएगा, और एंड लगा करके एक बार डबल कॉमा में फिर स्टार लगा दीजिएगा, तो आगे और पीछे दोनों ओर स्टार ये एड करके हमें दे देगा। और अब आपको यहां ड्रैग करा सकते हैं, यहां पर आप क्लिक करके और इसको ड्रैग कराएंगे तो जो जैसा है बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और अब आसान हो गया काम, कि यहां पर जाइए और यहां पर कोड 128 सर्च कीजिए, तो यहां पर कोड 128 ये नीचे आ रहा है मेरा, और क्लिक कर दीजिए तो बस बार कोड आ जाएगा आपका। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप जनरेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।